आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रात्रि के समय हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, अपने संपूर्ण परिवार को प्रभु के अधीन करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें, सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आंखें मंद कीजिए। हे प्रेमी पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, प्रभु यीशु के पिता, हमारे पिता अब्बा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू जीवन का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। आज दिन भर हमने तुझसे जो जीवन पाया है, जो ऊर्जा पाई है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने आत्मा के द्वारा हमें अपनी संगति का एहसास कराया। हमारे हर कार्य में तूने हमें साथ दिया, तूने हमारे कार्यों को सफल बनाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस समय अपने सिर को झुकाते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हम अपराधी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। हमने मन वचन कर्म के द्वारा ना जाने कितने अपराध किए हैं। उन सारे अपराधों के लिए हम माफी मांगते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पुत्र अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पापों के कलंक को मिटा देना पिता, हमारे कलंक के दाग को मिटा देना पिता। हमें पवित्र करना, शुद्ध करना, हमारे हृदयों को, हमारी आत्माओं को शुद्ध और पवित्र करना। आज की रात हमारे लिए शांति की रात बने। हे प्रेमी पिता, इस समय हम सब कुछ को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। घर बार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, काम काज को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे धंधे को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता, सुरक्षा प्रदान करना, तेरे दूतों को भेजकर हमें सुरक्षा प्रदान करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। तेरे इस पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू अपने दूतों को भेजकर हमें सुरक्षा देगा। हमारे घर के चारों ओर तू अपने दूतों को खड़ा करेगा। अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की विपत्ति से तू हमें बचाएगा, हम विश्वास करते हैं। हे पिता, हमें अच्छी नींद प्रदान करना, हमें शांति प्रदान करना, हमारी आंखों, हमारे मनों, हमारे हृदयों को शांति से भरना। आज की रात हमारे लिए शांति की रात हो, कल का दिन हमारे लिए आनंद का दिन हो, हम तुझे धन्यवाद दे सकें। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इस समय तेरे अधीन हुए हैं, तेरी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाए हैं, ताकि तू उन्हें सुरक्षा दे, अंधकार की शक्तियों से बचाए। आज की रात उनके लिए सुरक्षामय रात बने, कल का दिन उनके लिए एक सुंदर और सफल दिन बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीष प्रदान करें। आमीन। आशीर्वाद।